Good morning, all of you. Today we are going to see how to write the chemical formula. Chemical formula कैसे लिखे जाते हैं? ये आज हमें देखने का है। हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो केमिकल्स रहते हैं, जो कंपाउंड्स रहते हैं, उनका फार्मूला कैसे लिखा जाता है ये हमें देखने का है। तो व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। केमिकल कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं उनका सिंबॉल लिख के हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है केमिकल फार्मूले में, एक सिंबॉल ऑफ द केमिकल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द केमिकल। उसका सिंबॉल हमें मालूम चाहिए, जैसे सोडियम का ये पोटेशियम का के, और उसकी वैलेंसी जैसे कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। ये दो चीजें जरूरी है, उसका सिंबॉल और उसकी वैलेंसी। वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं, और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी कहते हैं, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैलेंसी से हमें पता चलता है कि वो एलिमेंट किस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, ये हमें वैलेंसी से पता चलता है। तो सिंबल एंड वैलेंसी किस प्रकार केमिकल फार्मूला लिखने में उपयोगी है यह बात देखेंगे। वैलेंसी इन शॉर्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि हैंड्स ऑफ आर्म्स ऑफ दैट एटम। जैसे हमारे हैंड्स लेग्स कोई भी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहती है? उस एलिमेंट्स के हैंड्स एंड आर्म्स ही रहते हैं। इधर एक क्वेश्चन है, देखिए, दिस इज द जनरल क्वेश्चन, बट दिस गिव्स द आइडिया रिगार्डिंग हाउ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, हाउ द टू एलिमेंट्स फॉर्म द कंपाउंड। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड? कितने ह्यूमन बीइंग को ऑक्टोपस होल्ड करेगा? ऑक्टोपस को कितने आर्म्स रहते हैं? 8 आर्म्स रहते हैं। तो देखिए 8 आर्म्स है, तो मैक्सिमम कितने ह्यूमन बीइंग को कैच करेगा 8 आर्म्स? दो आर्म्स के बीच में एक ह्यूमन बीइंग कैच करेगा, तो कितने ह्यूमन बीइंग को कैच कर सकता है ऑक्टोपस जिसको 8 आर्म्स होते हैं? 4 ह्यूमन बीइंग। बुक में टेबल दिया हुआ है 3.6, उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए वाले हैं, उसकी बैलेंस दिए वाली है, जैसे कौन से एलिमेंट्स का बैलेंस 1 है, 2 है, 3 है, दैट इज गिवन इन दिस टेबल। रूल्स टू राइट द केमिकल फार्मूले। केमिकल फार्मूले जो लिखे जाते हैं उसमें पहले उसका सिंबल लिखेंगे और बाद में किस प्रकार ये लिखे जाते हैं। तो बैलेंस इज ऑन चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी बैलेंसी रहता है या चार्ज रहता है दैट मस्ट बी बैलेंस व्हाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूले। तो केमिकल फार्मूले में एक रूल्स है, पहले मेटल्स लिखा जाएगा उसके बाद में नॉन मेटल, मेटल फर्स्ट लिखेंगे उसके बाद में नॉन मेटल लेटर। देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें पहले कैल्शियम मेटल पहले है। सोडियम क्लोराइड, तो पहले सोडियम है बाद में क्लोराइड है। या फिर फेरस सल्फेट, पहले फेरस से क्या है मेटल है, पहले फेरस से बाद में सल्फेट। CuO कॉपर ऑक्साइड, पहले कॉपर है बाद में ऑक्साइड, मींस मेटल फर्स्ट नॉन मेटल लेटर। अभी हम देखते हैं फार्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स को दिए हैं एग्जांपल के तौर पर, बुक्स में काफी सारे एग्जांपल है, लेकिन कैसे लिखे जाते हैं केमिकल फार्मूले ये आइडिया हमें जरूरी है। तो इसमें बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड यानी उसमें दो एलिमेंट्स है, ऐसे कंपाउंड के केमिकल फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं ये इधर दिखाया है। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एट देयर बैलेंसेस, जो भी एलिमेंट्स है उनके सिंबल के साथ उनको लिखने का, और उनकी बैलेंसी वी हैव टू राइट, एंड देन कैसे फार्मूले लिखे जाते देखेंगे हम। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड,
विश्वास में करें तो हाइड्रोजन यहां एच लिख दिया और सीएल विश्वास में से वैलेंसी सीएल एच सीएल इस प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड इधर कार्बन का सी लिख दिया टेट्राक्लोराइड का सीएल क्रिस क्रॉस में था उसका वैलेंस यहां लिख दिया कार्बन का चार सीएल का वन क्रिस क्रॉस मेथड से इस प्रकार सी पहले लेंगे और उसका नंबर यहां आएगा वन लिखने की जरूरत नहीं सीएल क्रिस क्रॉस से फोर सी सीएल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड मैग्नेशियम क्लोराइड देखिए मैग्नेशियम Mg क्लोराइड Cl Mg का वैलेंसी चार्ज 2 क्लोराइड का 1 तो किस प्रकार क्रिस क्रॉस के बाद लिखा जाएगा Mg 1 लिखने की जरूरत नहीं और Cl 2 MgCl2 द फार्मूला ऑफ मैग्नेशियम क्लोराइड इज MgCl2 इन दिस वे वी हैव सीन राइटिंग केमिकल फार्मूला इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है सिंबल एंड बैलेंसिंग जो भी एलिमेंट्स जो भी कंपाउंड है उसके जो एलिमेंट्स है उनका पहले सिंबल लिखने का और हर एलिमेंट्स के नीचे उसका बैलेंस लिखने का बाद में क्रिस क्रॉस मेथड और बाद में इस प्रकार से केमिकल फार्मूले लिख सकते हैं बुक्स में काफी सारे एग्जांपल है दैट एग्जांपल्स ऑफ यू कैन सी जस्ट आई हैव गिवन यू द आईडिया हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला थैंक यू